जिले में अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी के प्रश्न पत्र लीक। यूट्यूब पर प्रश्न पत्र आने से विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़। अन्य कक्षाओं के प्रश्न पत्र भी हो रहे हैं लीक। जिला शिक्षा अधिकारी बोले, मामला गंभीर, मैं पुलिस व साइबर सेल को शिकायत करूंगा। नमस्कार, मैं हूं रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं नीमच जिले का टॉप एमपी 7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। देखिए नीमच जिले की विशेष बड़ी खबर। जी हाँ, जिले में अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर होने के पहले ही हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी बोर्ड सहित अन्य कक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। यह प्रश्न पत्र यूट्यूब पर लीक किए जा रहे हैं। परीक्षा के पूर्व प्रश्न पत्र यूट्यूब सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने से विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। साथ ही प्रदेश व जिले की शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इतने गंभीर मामले में शिक्षा विभाग को अधिक जानकारी नहीं है। अब मामला संज्ञान में आने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि मैं इस मामले में पुलिस और साइबर सेल को शिकायत करूंगा। समूचे मध्य प्रदेश और नीमच जिले में इन दिनों स्कूल शिक्षा विभाग अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित कर रहा है। जिले में भी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की अर्धवार्षिक परीक्षाएं आयोजित हो रही है। अन्य कक्षाओं की भी परीक्षा चल रही है। लेकिन इन सब के बीच बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि जिले में अर्धवार्षिक परीक्षा के पूर्व ही YouTube पर काफी समय पूर्व ही शिक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। इसका फायदा सीधे तौर पर विद्यार्थी उठा रहे हैं। ऐसा कर वे अपने शिक्षा और उसके मूल्य पर सवाल खड़े करते हुए अपने खुद के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसकी जानकारी नीमच के जिला शिक्षा अधिकारी सीके शर्मा को मुहैया कराई तो उन्होंने मामले की गंभीरता को समझा और जल्द ही मामले में जिला पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा को शिकायत करने की बात कही। साथ ही साइबर सेल के माध्यम से भी प्रभावी कार्यवाही कराने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह प्रश्न पत्र कहां से और कौन लिख कर रहा है, इसकी जानकारी जुटाने के बाद मामले में बड़ी व प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र वह भी पहले ही लीक। जिले में सोमवार को कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र, अर्धवार्षिक परीक्षा का यह प्रश्न पत्र करीब एक दिन पूर्व ही यूट्यूब पर लीक हो चुका है और हद तो तब हुई जब पेपर की एक PDF वायरल मिली। लेकिन इसके बाद भी जिला शिक्षा विभाग व प्रदेश के शिक्षा विभाग ने अब तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की है, जो कि अपने आप में काफी चौंकाता है। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद भी पूर्ववत शेड्यूल के अनुसार जिले में अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की जा रही है और सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र आयोजित किया जा रहा है। इसमें विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया। सीके शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी नीमच, इनका कहना है कि मेरी जानकारी में अभी आया है, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की अर्धवार्षिक परीक्षा के पूर्व यूट्यूब पर प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में मुझे अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन यह मामला आपके माध्यम से अभी ही मेरी जानकारी में आया है। कुछ दिन पूर्व भी हिंदी का प्रश्न पत्र लीक होने की जानकारी मिली है। यह प्रश्न पत्र कहां से और कौन लीक कर रहा है, इसके संबंध में जानकारी जुटाई जाएगी। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक और साइबर में शिकायत की जाएगी ताकि दोबारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जा सके। नीमच जिले की सभी प्रकार की खबरें देखने के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।